अगर आप लोग चाहने से ब्यास सुकुंग को भी आप लोग विजिट कर सकता है, तो चीज़ जो ये रिश्वत को ये चला रहा है, बता दीजिए थोड़ा सा, मतलब चीज़ जो कैसे सोचकर आप लोग, मतलब आप ये उसको रिश्वत को चला रहे हैं, उसको थोड़ा थोड़ा सा बता दीजिएगा। आदमी को जैसे कि बिजी सीजन से थोड़ा फ्री समय चाहिए था, तो फ्री समय बिताने के लिए तो जगह चाहिए ना, इसलिए एक हिसाब से इनडायरेक्ट बने ये सेवा ही हुई है। एंड हम लोग का ये नवम राजम है जो शोर दियो आप लोग मूवी देखा ही होगा, वो डायरेक्टर एक है हम लोग का, वेरी वेल नोन डायरेक्टर एंड इज अ वेरी इंडिजीनियस डायरेक्टर, ही ऑल्सो एक्ट्स इन हिज ओन फिल्म एंड ही डायरेक्ट्स हिज ओन फिल्म। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए उसका चैनल को और लाइक कीजिए और जितना से जितना है आप लोग शेयर कीजिए उसका वीडियो को। थैंक यू। हम लोग रामगढ़ में बोटिंग के लिए जा रहे हैं, आप लोग भी आइए, ये हम लोग का दोस्त किशन लाल का है, आप लोग भी विजिट के लिए आइए, बहुत सुंदर रिसोर्ट और आप लोग को बहुत एंजॉय करने मिलेगा। वीकेंड में आप लोग आ जाइए, यहाँ पे बोटिंग भी मिलेगा, सब कुछ फैसिलिटीज है। अगर आप स्टे करना चाहता है तो स्टे भी कर सकता है 1-2 नाइट्स के लिए। थैंक यू। बोलो ना, रामगढ़ में आप लोग आइए, यहाँ पे एक बोटिंग ब्रिज भी है और बोटिंग तो अवेलेबल है, यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। बस यू कैन कम एंड विजिट एनी टाइम, स्पेशली इन द समर सीजन, अभी तो विंटर है लेकिन विंटर में भी आप लोगों को फैसिलिटी मिलेगा यहाँ पे। तो दिस इज अ गुड प्लेस टू विजिट, सो कम एंड एंजॉय योरसेल्फ एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। बोटिंग के लिए कितना अमाउंट है, मतलब उसको थोड़ा बता दीजिए, जो मन होता है कि मतलब वो देखने के लिए आता है तो उसको थोड़ा सा बता दीजिए। चलो यहाँ से वहाँ से वो ब्रिज है ना बेम्बू का, कौन सा कौन सा? वो बेम्बू का ब्रिज, उधर से लेके उधर तक वो बेम्बू एक रखा हुआ है उधर तक एक राउंड, मतलब उसका बाद पर पर्सन को 100 करके। तो उसका बाद बोटिंग को दिखा, बोटिंग काम है भाई, जो बोटिंग को दिखा रहे हैं यहाँ में, कितना बोटिंग है भाई यहाँ में? बोटिंग दो है, वो नीचे में एक है, वो नीचे वाला है। कब से शुरुआत हुआ है, क्या है मतलब यहाँ में बोटिंग करना? 17 दिसंबर से। ये चीज जो यहाँ 17, मतलब विंटर में होता है ना, समर में होता है? नहीं, सामर में भी कर सकता है, करने से तो ऊपर से भी राफ्टिंग भी आ सकता है, राफ्टिंग भी आ सकता है ना, ऐसे रिजर्व करते हैं ना। 100 रुपया बहुत ही कम ही है, मतलब ना चीज़ जो, तो इसीलिए हर किसी को बोलता है कि जो भी यहाँ वीडियो देख रहा है मेरा यूट्यूब चैनल में आकर जो देख रहा है ना, उसको हम मैं रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप लोग भी आनंद लीजिएगा, जैसे कि अभी शुरुआत करने जा रहा है, देखिए बहुत बढ़िया। हाँ, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एडवेंचरस एक राइड हो रहा है, बच्चा लोग के लिए फन लाइन है ये, एंड इट्स काइंड ऑफ अ पैराडाइज। यहाँ पे रिवर भी बहुत साफ है और बहुत अच्छा है, स्पेशली इन द समर टाइम, और यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी बहुत आते हैं यहाँ पे, तो आप जब भी आ सकते हैं एनी टाइम। और यहाँ पे फूडिंग एंड लॉजिंग का भी है क्या? हाँ, लॉजिंग भी है यहाँ पे, ये वाला है ऊपर का, मेरे ख्याल से RJ3 रिसोर्ट ना, J3 रिसोर्ट है ये, तो आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे और आनंद ले सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं आप यहाँ पे, भरपूर लुत्फ़ उठा सकते हैं आप यहाँ पे। तो उसमें ऐसे है कि मतलब हमारा जो ये है, जितना भी दर्शक है जो देखा है, रुको दोस्त, यहाँ से जो यहाँ तक आने के लिए जो दर्शक है ना, तो मालूम होना मतलब पड़ता है कि मतलब चीज़ जो यहाँ कितना डिस्टिनेशन कितना है, कितना दूरिया है, तो कितना तक यहाँ से आना है, मतलब उसको थोड़ा बता दीजिए। तो एक्चुअली हम लोग आज यहाँ पे पिकनिक खाने आए थे यहाँ रामगढ़ में, तो जब पिकनिक खाने आया था हम लोग, निकला था वहाँ पे 10:30 को, तो हम लोग यहाँ पहुँचा एग्जैक्टली 11:30, तो आप लगा सकते हैं कि 1 घंटा का रास्ता है यहाँ पे रामगढ़ का। तो यहाँ पे जो रिसोर्ट है आपका J3 रिसोर्ट, गेट से, तो आप लोग जब भी आ सकते हैं यहाँ पे, लुत्फ़ उठा सकते हैं यहाँ का बोटिंग का, फूडिंग का और यहाँ का रिसोर्ट का, एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेस। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल को। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। अच्छा लग, लोरम का है, लोरम दिखाई नहीं दे रहा है। बाय बाय भाई, बता दीजिएगा कि कहाँ से आए आप लोग?
हम लोग ओडिशा से आया है, मैं तो यहाँ पे कैथोलिक मिशन का डॉक्टर हूँ। मेरा फैमिली आया है ओडिशा से, वो लोग को घुमाने के लिए थोड़ा लेके आया हूँ। हम लोग थोड़ा यहाँ पे घूमेगा, एंजॉय करेगा, अच्छा प्लेस है, हम लोग घूमेगा और थोड़ा एंजॉय करेगा और जाएगा, वही बात है, अच्छा जगह है। अरुणाचल कैसे लगा? ए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्लेस तो बहुत अच्छा है, नेचुरल ब्यूटी है, ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, वही बात है। आप लोग उड़ीसा से आए, वेरी वेरी वेलकम आप लोग को अरुणाचल पे। थैंक यू, थैंक यू। तो उसका एंजॉय कीजिए यहाँ पे, जब भी आप लोग है टाइमिंग आप लोग का ना। और उसका बता हम लोग अरुणाचल में ऑक्सीजन भी बहुत प्योर होता है लेकिन ना। तो अभी फिर यहाँ से मतलब फैमिली के साथ आया ना? फैमिली के साथ आया है ये हम लोग। अभी बच्चा लोग अभी बोटिंग करने गया है, वो लोग आने से खाना पीना खा के उसके बाद हम लोग निकलेगा। और यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? हम लोग, मैं तो कैथोलिक मिशन का डॉक्टर हूँ, बरगांव का, और ये मेरा मिसेस है। तो आप लोग बच्चा उधर में बोट में गया है घूमने के लिए। आप लोग कहाँ? भुवनेश्वर से? हाँ, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर मिसेस है। तो हम लोग का टूरिस्ट आया हुआ है यहाँ पे भुवनेश्वर, बच्चा देर एंजॉयिंग है, देर हैविंग अ रियली गुड टाइम ओवर हियर। तो आप लोग भी आए, देखिए इतना दूर दूर से उड़ीसा से आ रहे हैं आप लोग। आप लोग अरुणाचल का होके आप लोग यहाँ पे घूमने जरूर पक्का आइए, यहाँ पे अच्छा जगह है, होगा सर। प्लीज गिव अ थम्स अप, एक लाइक दे दीजिए। उतर आनंद ले रहा है। अगर आप लोग भी अगर आनंद लेना चाहता है तो आप लोग यहाँ आकर आनंद ले सकता है। बहुत ही मतलब कम बजट में, मतलब यहाँ में आप लोग आनंद ले सकता है। यहाँ में जो पहाड़ी इलाका होता है, जैसे देख लीजिए, उसको जो नहीं देखा तो आप सभी देख सकता है, जो जंगल का यहाँ में सब कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ में मेरा वीडियो को यहाँ समाप्त करता है। थैंक यू।